स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों आज जो मैं अमर राजा बैटरीज पे वीडियो लाया हूँ वो इसलिए लाया हूँ कि कई लोगों का मुझे मेल आया है, कई लोगों ने मुझे टेलीग्राम में मैसेज किया है कि सर अभी अब क्या करें अमर राजा बैटरीज में, क्योंकि आज ये फिर 1% भागा है ऊपर। तो क्या इसका जो इसकी जो बैड न्यूज़ थी, इनफ्लोज थे, वो सब ठीक हो गए? अब क्या ये रेडी है ऊपर लॉन्च होने को? क्योंकि जो 6% का गैप डाउन आया था उससे बहुत सारे इन्वेस्टर परेशान हो गए हैं। देखिए रिटेल इन्वेस्टर के साथ प्रॉब्लम ये है ना कि मार्केट के अंदर में क्या चल रहा है उसे कुछ नहीं पता होता। और हम जैसे यूट्यूबर्स, मैं अपना भी नाम लूँगा, हम जैसे यूट्यूबर्स और टीवी चैनल वाले बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के नाम पे इतना बेचे इस शेयर को कि बेचारे रिटेल इन्वेस्टर सब के सब फंस गए उसमें। और जब ये अपने हाईस पे था 1025 में, उस तक वहाँ लोगों ने ख़रीदा है इसे, और उसके बाद से ये 30% तक गिर चुका है। अब आप बताइए कि इसमें रिटेल इन्वेस्टर जो इतनी गाढ़ी कमाई होती है वो पूरे के पूरे पैसे बर्बाद हो गए उसके। बर्बाद मैं इसलिए कहूँगा कि कई लोग पोजिशनल ट्रेडिंग लेते हैं, उन बेचारों को निकलना ही पड़ गया। फिर बातें आई कि भाई अभी रुक जाएगा 850 में फिर खरीदो, फिर उन्होंने कहा चलो 800 में ले लो, फिर कईयों ने कहा कि 790 रुपये में ले लो जब वहाँ हल्के दिन आया, उसके बाद से सीधा गैप डाउन हो गया ये शेयर। तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है अमर राजा बैटरीज की, आज हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने इसमें भी कुछ रिसर्च की, पढ़ा, जो मैं आपके सामने शेयर भी करूँगा। देखिए ये अमर राजा बैटरीज है ना, और आज फिर ये 1% भागा है 745 रुपये में, कि ये क्लोजिंग बेसिस पे इसने क्लोजिंग दी है। तो क्या इसका जितना भी फ्लोस था ख़त्म हो गया है? आइए जानते हैं थोड़ी देर में। देखिए पहले तो इसको जो बैड न्यूज़ थी जिसके कारण 6% ये डाउन हुआ था, गैप डाउन ओपनिंग की थी इसने। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे शेयर को कोई नहीं छोड़ता है। आप सबको ये तो सबने बताया कि इस कंपनी ने क्लैरियोस, इसने बेचा है अपना स्टेक, है ना, लेकिन किसी नहीं, बहुत कम लोग ये जानते हैं उसे खरीदा किसने है। देखिए मैं आपको एक न्यूज़ बताता हूँ कि इसको पढ़िए, ये मॉर्गन स्टैनली एंड अदर, ये देखिए आप, मतलब मॉर्गन स्टैनली अदर बाय स्टेक इन अमर राजा बैटरीज फ्रॉम कार बैटरी मेकर क्लैरियोस। तो मॉर्गन स्टैनली ने जब इन्हें खरीदा है, मॉर्गन स्टैनली ने जब ऐसे बड़ा स्टेक लिया है इसमें, तो क्या वहाँ के जो इन्होंने खरीदा है क्या उन्होंने रिसर्च नहीं की होगी? बिल्कुल की होगी। देखिए आप, मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें लिखा भी है कि क्लैरियोस सोल्ड द शेयर ऑफ गिसेलो मास्टर फंड इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रेटेजी एशिया पीटी लिमिटेड एंड मॉर्गन स्टैनली एशिया सिंगापुर, मतलब इन लोगों को इन्होंने बेचा है, ठीक है। तो मतलब इतनी ये आपने एक बात पता होना चाहिए कि अमर राजा बैटरीज एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है टिल नाउ, और इनकी जो कंपनी है ये आज की नहीं है, बहुत पुरानी कंपनी है। और यही कारण है कि आप देखिए कि ये न्यूज़ को पढ़िए आप लोग इतने में कि आपको समझ में आ जाए कि ये कंपनी बहुत ही अच्छी कंपनी है। तो एज फंडामेंटल बेसिस आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, हाँ, और क्योंकि ये कंपनी इतनी अच्छी है बट अभी इसमें कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, तो इसी कारण हमें इसे एकदम सोच समझ के लेना है और एंट्री पॉइंट भी सोच समझ के लेना है। देखिए मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं किसी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करता हूँ तो उसके पास परफॉर्मेंस देखता हूँ और देखता हूँ उसमें कोई जो एडमिन प्रॉब्लम तो नहीं है, और उस कंपनी में, इस कंपनी में वो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। और इन्होंने ऐसा क्यों किया था, मैं पिछले वीडियो में आपने बताया था कि भाई इन्होंने ऐसा क्यों कर दिया क्लैरियोस ने, तो क्लैरियोस ने इसने इसलिए किया था क्योंकि माफ़ कीजिएगा, तो क्लैरियोस ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि इस बार जो क्वार्टर रिजल्ट्स आए थे उसमें जो इनकी तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया अमर राजा बैटरीज की तरफ से, लीड बैटरीज जो होती हैं जो आगे चल के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो काम भी आएंगी ज़्यादा, जो लीड बैटरीज होती हैं उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट का इन्होंने कोई भी ब्लू प्रिंट नहीं दिया या प्लान नहीं दिया, इस कारण इन्होंने ऐसा सब कह रहे हैं। क्या सही है क्या गलत है ये आपको मेरे को बिल्कुल पता नहीं चलेगा, ठीक है। ये तो बात हो गई अब इसकी कि भी ऐसा क्यों हुआ था, और हमें ये भी जानने मिल गया कि किसी ने बेचा था तो किसी ने खरीदा भी है और किसी ने नहीं खरीदा है। आप बस ये नाम को देखिए, मॉर्गन स्टैनली अपने आप में ही बहुत बड़ा नाम है ये तो कोई इशू नहीं हुआ। देखिए अब मैं कुछ अंदर की बात आपसे करना चाहता हूँ, और ये मैं आपको खुद से कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा, ये एक रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये तेलुगु 360 का एक वो है,
न्यूज़ आउटलेट है, इसमें आप ये पढ़िए, मैं आपको दिखाता हूँ। द हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश हैव एन अर्ली कंक्लूजन अमर राजा डिस्क्लोजर कॉन्ट्रोवर्सी, इट हैज स्ट्रेट फॉरवर्ड सस्पेंडेड। ये देखिए इस लाइन को पढ़िएगा, इट हैज स्ट्रेट फॉरवर्ड सस्पेंडेड द जगन मोहन रेड्डी रिकॉर्मेंट ऑर्डर फॉर क्लोजर ऑफ अमर राजा बैटरीज नियर त्रिपुर्ति इन द चित्तौर डिस्ट्रिक्ट। तो आपको पता होगा कि इसके जो इनके जो दो प्लांट बंद हुए थे उसको खरे से सिरे से खारिज कर दिया था ऑर्डर, गवर्नमेंट का ऑर्डर हाई कोर्ट ने। देखिए और इनका क्या कहना है, मैं दिखाता हूँ। ये तो फैमिली एमपी गाला जयदेव, हु इज एमपी गाला जयदेव, देखिए हु इज एमपी गाला जयदेव, मैं आपको दिखाता हूँ हु इज एमपी गाला जयदेव। ये देखिए डॉक्टर एन गाला, ये गाला फैमिली है, तो एन गाला फैमिली है, तो ये जो है ये अपोजिशन पार्टी के हैं जगन मोहन की, तो इनके और अपोजिशन की पार्टी है, तो जगन मोहन ये रहे, ये जगन मोहन है, जगन मोहन रेड्डी जी हैं, इनके और जो अपोजिशन लीडर है उन अपोजिशन जो पार्टी वाले हैं और अमर राजा बैटरीज उनमें से एक है, इनके बीच टसल चल रहा है। तो अंदाज तो ये लगाया जा रहा है आरोप इनके ऊपर, जगन जी के ऊपर, कि ये वेंडेटा की राजनीति करते हैं, मीन्स एक बदले की राजनीति कर रहे हैं। देखिए कितना सही है कितना गलत है हमें नहीं पता, हम अपने स्टॉक को खरीद चुके हैं उसमें फंस चुके हैं, तो हमें ये जानना पड़ेगा कि भाई अभी प्रॉब्लम्स क्या है। तो जब तक सबसे बात यह है कि जब तक ये जगनमोहन जी हैं और जब तक ये गाला फैमिली के बीच टकराव चलता रहेगा, ये हमेशा से ही प्रॉब्लम में रहेगी और कुछ भी यूनिवर्सल आ रहेगा। तो ये प्रॉब्लम में क्यों है, तो प्रॉब्लम में ये द गाला फैमिली हैज बीन फाइटिंग, ये दिखाता हूँ मैं आपको, द गाला फैमिली हैज बीन फाइटिंग अ पॉलिटिकल बैटल लाइक मैनी अदर टीडीपी, दे रिमेन अनशेकन बाय द क्लोजर ऑफ महाराजा बैटरी एंड अप्रोच टू द कॉल फॉर रिलीफ। तो ये जो इन्होंने जो ये ऐसा क्यों है, इसलिए है क्योंकि जो एमपी गाला जयदेव जी हैं ये बहुत अपोजिट हैं कि कैपिटल शिफ्टिंग को लेकर के, इसी कारण ये कहा जा रहा है कि जो ये हैं जगनमोहन रेड्डी जी वो इनके खिलाफ राजनीति कर रहे हैं। अब भाई कितना सही है क्या गलत है ये हमें नहीं पता, ये न्यूज़ आई तो हमने बताया। तो इसी कारण है कि आने वाला समय अमर राजा बैटरीज के लिए थोड़ा चैलेंजिंग वाला रहेगा और हम एज अ शेयर होल्डर हमें बहुत ही ज़्यादा कॉशियस रहना होगा। तो बट अभी के टाइम में क्या लेने की सलाह दूंगा मैं, देखिए मैं ये वीडियो आपको एक डिस्क्लोजर के रूप में बता दूं, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये 100% एजुकेशन पर्पस के लिए है और मैं कोई भी सेलिंग और बाइंग की राय नहीं देता हूँ। अगर आपको इसमें कोई भी पोजीशन बनानी है तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लिए बगैर मत बनाइएगा। तो अब बातें अमर राजा बैटरी, देखिए ये बहुत अच्छी कंपनी है, अगर मैं इसमें लूँगा, जी हाँ मैं बिल्कुल डिस्क्लोजर में बता दूँ मैं इस कंपनी में इन्वेस्टेड हूँ और मैं इसमें लॉस में हूँ, लेकिन मैं डरा क्या नहीं, मुझे अभी और इसमें खरीदना है। देखिए 690 रुपये का, मैं आपको इधर दिखाता हूँ, ये है, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि 690 रुपये का, ये 3 महीने का चार्ट दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए ये कंसोलिडेट कर रहा है कहाँ पे, यहाँ पे, ये यहाँ पे ये कंसोलिडेशन चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो जब ये कंसोलिडेशन यहाँ चल रहा है तो बहुत टाइम से चल रहा है, तो यहाँ से देखिए ग्रैप डाउन ओपनिंग होगी, यहाँ कंसोलिडेशन चल रहा है। देखिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है, क्योंकि आने वाले टाइम में ये बहुत अच्छी कंपनी है नो डाउट, अभी थोड़े चैलेंजेस फेस कर रही है इसलिए हमको घबराना नहीं। देखिए हम एज ए इन्वेस्टर हमें बिल्कुल नहीं घबराना है हमें, और ना एक साथ पैसे लगाने हैं, थोड़े थोड़े स्मॉल क्वांटिटीज हमें इसमें खरीदनी है, और अगर ये बहुत अच्छा रेट है स्टार्टिंग के लिए हमें यहाँ खरीद सकते हैं, और 690 में एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो एज अ शॉर्ट टर्म कोई इन्वेस्टर अगर कोई ट्रेड करना चाहता है तो एक 690 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें ट्रेड कर सकता है और 800-850 रुपये का टारगेट लेकर के, ठीक है। तो आपको उसने समझा दिया कि अब आगे जो भी होगा हमें कॉशियस रहना है, अभी ये थोड़ी सी न्यूज़ फ्लो के कारण ये प्रेशर में रहेगा स्टॉक, तो एज ए इन्वेस्टर हमें ध्यान रखना है, और बाकी कुछ भी होगा इसमें तो मैं आपके सामने और भी न्यूज़ लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।